अनुज 3 घंटे से पढ़ाई कर रहा था। उसने फील किया कि उसके गर्दन में काफी अकर्ष जा गई है, अब थोड़ा रेस्ट ले लेना चाहिए। ऐसा सोच के उसने अपनी किताबों को फोल्ड कर दिया और निकल पड़ा बाहर घूमने के लिए। जाते टाइम उसने बालकनी में देखा कि उसके डैडी अभी ऑफिस से आए और जूते निकाल रहे हैं और किसी से फोन पे बातें कर रहे हैं। हाँ हाँ, मेरा बेटा पढ़ाई कर रहा है, नहीं नहीं इस बार तो क्रैक कर ही लेगा। अरे नहीं नहीं, दिन रात मेहनत करता है, ऐसे कैसे फेल हो जाएगा। हाँ हाँ मुझे पता है, पिछली बार उसके मार्क्स कम आए थे लेकिन इस बार वो अच्छा स्कोर करेगा। मुझे लगता है वो दिन रात मेहनत करता है, दिन रात पढ़ाई करता है। ये बातें अनुज चुपचाप से खड़ा होकर के सुन रहा था। एक सेकंड के लिए वह सहम सा गया और उसके मन में अजीब गरीब सवाल उभरने लगे कि जो मुझसे उम्मीदें लगा के बैठे हैं, भला मैं उसकी उम्मीदें कैसे तोड़ सकता हूँ। और वह चुपचाप से अपने कमरे की तरफ चल पड़ा, दरवाजा को लॉक किया और किताबें खोल के बैठ गए, क्योंकि इसको इस बार कुछ अच्छा स्कोर करना था, क्योंकि वे अपने माँ बाप की उम्मीदों को नहीं तोड़ सकता था। और वे लगातार दिन रात मेहनत करते करते टॉपर के टॉप 10 लिस्ट में शामिल हो गए और सभी के उम्मीदों को पूरा कर दिखाया। आप एक सेकंड जरा रुक जाइए, क्योंकि आपको कोई हक नहीं किसी के उम्मीदों को तोड़ने का, किसी के सपनों को तोड़ने का। क्या आपसे भी जाने अनजाने में ऐसी गलतियां हो रही है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दीजिएगा, क्योंकि हम हर किसी पर्सन के प्रॉब्लम का सॉल्यूशन प्रोवाइड करते हैं। अगर आप इस वीडियो से 1% भी मोटिवेट हो पाए हो तो लाइक सब्सक्राइब करके हमें भी मोटिवेट करें। गुड लक। एबल, एक्सीलेंट आइडियाज एंड ग्रेट एक्सप्लेनिंग सॉल्यूशन। सब्सक्राइब नाउ।